ईवीएम की कार्यप्रणाली में अनियमितताओं का आरोप लगाने वाली याचिका पर बीते दिन सुनवाई करने से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया। कोर्ट की ओर से कहा गया कि हर तरीके से सकारात्मक और नकारात्मक दोनों साइड होते हैं। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने एक अन्य याचिका को भी खारिज कर दिया, जिसमें दावा किया गया था कि साल 2016 से 19 के दौरान चुनाव आयोग की कस्टडी से कथित तौर पर गायब 19 लाख ईवीएम का इस्तेमाल आगामी लोकसभा चुनाव के परिणामों में हेरफेर करने के लिए किया जा सकता है। जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस जॉर्ज मसीह की पीठ ने कहा कि यह अदालत कई याचिकाओं की पहले ही कई मौके पर पड़ताल कर चुकी है और ईवीएम के कामकाज से संबंधित मुद्दों पर निपट चुकी है। इसके साथ ही पीठ ने याचिकाकर्ता से कहा कि हम कितनी याचिकाओं पर विचार करेंगे, हमने वोटर VVPAT से संबंधित याचिका पर विचार किया था, हम धारणाओं का अनुसरण नहीं कर सकते, माफ करें, हम अनुच्छेद 32 के तहत इस पर विचार नहीं कर सकते। बता दें, अनुच्छेद 32 भारतीय नागरिकों को अपने मौलिक अधिकारों को लागू कराने के लिए सीधे सुप्रीम कोर्ट जाने का अधिकार देता है। पीठ ने फैसले में कहा कि याचिका में उठाए गए मुद्दों पर सुप्रीम कोर्ट ने विभिन्न याचिकाओं में पड़ताल की है। जस्टिस खन्ना ने कहा कि अदालत ने इस मुद्दे पर 10 से अधिक मामलों में पड़ताल की है। बता दें, याचिकाकर्ता ने अपनी याचिका में भारत निर्वाचन आयोग और 6 राजनीतिक दलों को अपना क्लाइंट बनाया था, साथ ही आगामी लोकसभा चुनाव में ईवीएम की जगह मत पत्रों के इस्तेमाल का फैसला देने का अनुरोध किया था। इस बीच जस्टिस बीआर गवई के नेतृत्व वाली पीठ ने इंडियन न्यू कांग्रेस पार्टी द्वारा दायर याचिका को खारिज कर दिया। INCP की अलग याचिका में दावा किया गया था कि चुनाव आयोग की कस्टडी से गायब 19 लाख ईवीएम का इस्तेमाल आगामी लोकसभा चुनाव के नतीजों में हेरफेर करने के लिए किया जा सकता है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।